Good morning, dear students. I hope you all are safe and sound in this condition of COVID-19. And teacher Sanam is here. And today I will teach you your favorite book. And your favorite book is Computer with Red One. Okay. इस बुक में हम पढ़ते किसके बारे में है, जैसे कि आपको पिक्चर नज़र आ रही है बुक के जो टाइटल पेज है उसके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है और ये है कंप्यूटर। तो इस बुक में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं कि कंप्यूटर जो है वो हमारे हम उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, कंप्यूटर में डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं और कंप्यूटर को हम किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, इसी तरह इंग्लिश जो लैंग्वेज इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें हम इंग्लिश के बारे में इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं और उर्दू सब्जेक्ट में हम उर्दू लैंग्वेज सीखते हैं। तो कंप्यूटर वेज में हम कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेसन फ्रॉम पेज 2 एंड चैप्टर नंबर 1 इज वेज introduces computers. WHIZ ways INTRODUCES introduces COMPUTERS computers. Today our topic is ways introduces computers. Who is ways? Wiz is a person who is very good at using computer, okay? And आपको पेज नंबर 2 पे नज़र आ रहा होगा, ये है Wiz, okay? तो इस टॉपिक में Wiz जो है Wiz हमें कंप्यूटर के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएगा, वो हमें बताएगा कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। इज़ डैट क्लियर? तो आज जैसे कि हमारा फर्स्ट डे है तो आज हमने रीडिंग करनी है। रीडिंग करने से पहले कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जैसे न्यू टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, जैसे आप SST और साइंस के सब्जेक्ट में न्यू वर्ड्स करते हैं तो IT की लैंग्वेज में उनको न्यू टर्मिनोलॉजीज़ कहते हैं। इज़ डैट क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज विज। विच वर्ड इज दिस? WHIZ विज। दिस वर्ड इज विज। Do you know who is Wiz? Wiz is a person who is very good at using computer. Wiz वो person होता है जो computer के बारे में जानता है। जैसे कि आपको जो school में पढ़ाता है उसको हम कहते हैं teacher, और जो school जाते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए, जैसे कि आप school जाते हो कुछ ना कुछ new learn करने के लिए, तो आप क्या हैं? आप स्टूडेंट्स हैं। तो Wiz इसी तरह उस पर्सन को कहते हैं जो कंप्यूटर के बारे में जानता हो, जिसको कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन हो और जो कंप्यूटर को अच्छी तरह यूज़ कर सकता हो। नेक्स्ट इज COMPUTER कंप्यूटर। COMPUTER कंप्यूटर। दिस वर्ड इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्लियर? नेक्स्ट इज TOOLS टूल्स। दिस वर्ड इज टूल्स। टूल्स कहते हैं आलात को। MEET मीट। दिस वर्ड इज मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। एंड नेक्स्ट वर्ड इज FASTER फास्टर। FASTER फास्टर। फास्टर मीन तेज तरीन। एंड नेक्स्ट वर्ड इज EASIER ईजियर। EASIER ईजियर। दिस वर्ड इज ईजियर। ईजियर मीन आसान। नेक्स्ट वर्ड इज HELP हेल्प। HELP हेल्प। हेल्प मीन होता है मदद करना। एंड नेक्स्ट वर्ड इज MACHINE मशीन। मशीन मशीन्स। अब हम घर में भी बहुत सी मशीन्स यूज़ करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन,
इसी तरह रेफ्रिजरेटर है वो हम यूज़ करते हैं, तो ये सारी मशीन्स हैं जो हमारे काम को आसान करती हैं। एंड नेक्स्ट इज़ ELECTRICITY, इलेक्ट्रिक सिटी, ELEC ELECTRICITY सिटी, इलेक्ट्रिक सिटी। इलेक्ट्रिक सिटी कहते हैं बिजली को, मशीन्स को। आपने, आपको पता होगा कि मशीन्स ऐसे ही तो काम नहीं करती, मशीन्स को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे हम जो है, हमसे तो हमें फूड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हमें फूड प्रॉपर ना मिले तो हमारी एनर्जी जो है वो डाउन होने लग पड़ती है और हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जो मशीन्स होती हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जो इलेक्ट्रिकसिटी है ना वो कुछ मशीन्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिकसिटी कहते हैं बिजली को। एंड नेक्स्ट इज SPECIAL स्पेशल। दिस वर्ड इज स्पेशल, स्पेशल मीन होता है खास। क्लियर? ओके, अब हम करेंगे रीडिंग स्टार्ट। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपने जो पेज नंबर 2 है यहाँ पे सबसे पहले डेट मेंशन करनी है। एंड टुडे इज थर्सडे 2 जुलाई 2020। तो हम सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे, टी कैपिटल होना चाहिए, टी एच यू आर एस डी ए वाई। टुडे इज थर्सडे, व्हाट डे इज टुडे? थर्सडे 2 लिख के हम कॉर्नर पे एंड डी लिखेंगे, 2 जुलाई, जे कैपिटल होगा, जे यू एल वाई जुलाई, फिर डॉट 2020। एंड कॉर्नर पे हम लिखेंगे क्लास वर्क। क्लियर? टुडे इज थर्सडे 2 जुलाई 2020। And today we learned chapter number, today I will teach you chapter number 1 and topic is which introduces computers. So, hum reading start karenge first line se. First word is meet with. With se miliye, he loves machines. With ko machines pasand hai, ya with jo hai machines ko pasand karta hai. He is always at computers. वो किसका वेज है? Computers का, computer का वेज है. Clear? वेज को computer पसंद है. Okay, what is computer? A computer is a machine. Computer जो है वो एक machine है. A computer is a machine. Computer जो है वो एक machine है. Machines are tools that help us do special jobs. अब machines क्या होती हैं? Machines are tools. Machines आलात होते हैं that help us, जो हमारी मदद करते हैं do special jobs, कुछ खास काम करने में. Okay? Machines क्या हैं? अब computer जो है वो एक machine है. Machines आलात होते हैं जो कि हमारे काम को easy करते हैं. They मेक वर्क ईजियर फॉर अस. मशीन्स अब क्या करती हैं? दे मेक वर्क ईजियर, ये हमारे काम को आसान करती हैं. फॉर अस हमारे. क्लियर? दे हेल्प अस टू वर्क फास्टर, ये हमारी मदद करती हैं टू वर्क फास्टर, काम को जल्दी करने में. आपको पता है ना कि जब हम कोई काम करते हैं हाथ से करें तो उस पर टाइम लगते हैं और जल्दी भी नहीं होता, तो मशीन्स जो हैं वो हमारी हेल्प करती हैं. एक तो उससे काम आसानी से हो जाता है और दूसरा जल्दी भी हो जाता है. सम मशीन्स यूज़ एनर्जी, कुछ जो मशीन्स होती हैं वो एनर्जी यूज़ करती हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए. जैसे हम जो हैं, हमें अगर फूड ना मिले तो हमारी एनर्जी कम होने लग पड़ती है, तो फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम एक्टिव हो जाते हैं और हम
काम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसी तरह जो मशीन्स होती हैं उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो मशीन्स क्या करती हैं, एनर्जी को यूज़ करती हैं। सम मशीन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कुछ जो मशीन्स होती हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि कुछ मशीन्स जो हैं वो किस से चलती हैं, बिजली से। अब बिजली से कौन कौन सी मशीन्स चलती हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, जैसे टेलीविज़न, ये जो हैं इनको चलने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। ओके, वो जो इट्स मीन लाइट जो है वो उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, तब वो वर्क करती हैं। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे, अब हमारे पास एक गेम है डियर स्टूडेंट्स के लिए, और वो गेम क्या है, हम यहाँ पे एक गेम खेलेंगे। यहाँ आपको वेज नज़र आ रहा है, तो अब हमने देखना है कि वेज के सामने जो है ये किस चीज़ की पिक्चर है। अभी तो पिक्चर हमें क्लियर नज़र नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर, हमने इन डॉट्स को ज्वाइन करना है और फिर हम उसमें करेंगे कलर्स। तो हम, आप सब स्टूडेंट्स को काउंटिंग तो आती है, तो हम स्टार्ट करेंगे वन से। ओके, तो हमने नंबर्स को मैच करना है और फिर हम देखेंगे कि यहाँ किस चीज़ की पिक्चर बनी है। क्लियर? हम नंबर वन से स्टार्ट करेंगे। नंबर वन के बाद जो नंबर आता है वो है टू, इट्स मीन हमने टू की तरफ जाना है। ओके, वन से टू तक हमने लाइन ड्रॉ की। टू के बाद नेक्स्ट नंबर आता है थ्री, तो हम टू को थ्री के साथ मिला देंगे। व्हाट कम्स आफ्टर थ्री, फोर, एंड हम थ्री को फोर के साथ मैच कर देंगे। व्हाट कम्स आफ्टर फोर, फाइव, तो फोर को हम फाइव के साथ मैच कर देंगे। अब हमने देखना है कि फाइव के बाद काउंटिंग में कौन सा नंबर आता है, सिक्स, तो हम फाइव को सिक्स के साथ मैच करेंगे। क्लियर? एंड सिक्स के बाद कौन सा नंबर आता है, सेवन, तो हम इसको सेवन के साथ मैच करेंगे। व्हाट कम्स आफ्टर सेवन, एट, तो हमने इसको एट के साथ मैच किया, एंड एट को फिर हम नाइन के साथ मैच करेंगे। नाइन के बाद काउंटिंग में आता है नंबर टेन, तो हमने नाइन से टेन तक लाइन ड्रॉ कर दी। 10 के बाद काउंटिंग में नंबर आता है 11, तो हमने 10 को 11 के साथ मिला दिया। अब 11 ऑलरेडी 12 के साथ मिला हुआ है, 12 से 13 के साथ मिला हुआ है, एंड 13 से 14 के साथ मिला हुआ है, तो हम 14 से स्टार्ट करेंगे। व्हाट कम्स आफ्टर 14, 15, एंड व्हाट कम्स आफ्टर 15, 16, तो हम 15 से एक लाइन ड्रॉ करके लाएंगे और उसको हम मिलाएंगे नंबर 16 के साथ। एंड 16 के बाद हम 17 के साथ मैच करेंगे और फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 17 और 18 के दरमियान, एंड फिर हम जाएंगे 18 से 19 की तरफ, एंड 19 से 20 की तरफ। ओके, आप देखें किस चीज़ की ये पिक्चर बनी है, आप सबको नज़र आ रहा है ना किस चीज़ की पिक्चर है, ये है कंप्यूटर की पिक्चर। ठीक है, तो विज जो है, विज के सामने जो टेबल है वो उसके ऊपर किस चीज़ की पिक्चर थी, कंप्यूटर की, क्योंकि विज को कंप्यूटर पसंद है, वो मशीन्स को पसंद करते हैं, और जो सबसे फेवरेट उसकी मशीन है वो है कंप्यूटर। क्लियर? तो अब हम आएंगे जी पेज नंबर थ्री पे, और यहाँ पे कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ क्वेश्चन है, सॉर्ट द लेटर्स टू फाइंड द वर्ड डैट फिट्स द मीनिंग। क्लियर? हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ कुछ लेटर्स जंबल फॉर्म में हैं, जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे आर टी सी एम यू ई पी ओ, ये लेटर्स जंबल फॉर्म में हैं, तो हमने इन लेटर्स को अरेंज करके वर्ड बनाना है। और हमने कौन सा वर्ड बनाना है, अ मशीन दैट कैन स्टोर डाटा, हमने वो मशीन ढूंढनी है, वो मशीन हम सर्च करेंगे कि जो जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो डाटा आई थिंक किसमें हम स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर में हम, एक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें हम अपने बारे में इंफॉर्मेशन
सेव कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने बारे में, हम अपनी क्लास, अपना नेम, अपने बारे में जो तमाम इन्फॉर्मेशन है, हम वो कंप्यूटर में इंटर कर सकते हैं. हम अपनी पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं. तो जो जब हम अपने बारे में इंफॉर्मेशन या किसी और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो उसको कहा जाता है डेटा. तो इट्स मीन वो कौन सी मशीन होगी, कंप्यूटर. एंड आप ऊपर कंप्यूटर के स्पेलिंग पढ़ के आए हो, COMPUTER, ये कंप्यूटर के स्पेलिंग. अब हमने देखना ये है कि जो यहाँ जंबल फॉर्म में स्पेलिंग्स हैं, क्या ये उनसे मिलते जुलते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे सी से. यहाँ कंप्यूटर जो है वो किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, सी से. तो क्या यहाँ पे इन जंबल जो फॉर्म में लेटर्स हैं, यहाँ सी है. यस, सी इज हियर. सी के बाद नेक्स्ट है ओ. तो क्या यहाँ ओ लेटर मौजूद है. यस, ऑन द लास्ट देयर इज ओ लेटर. क्लियर, सी ओ. ओ के बाद कंप्यूटर में आता है एम. तो यहाँ पे एम भी मौजूद है. नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर में वर्ड है, लेटर है पी. तो यहाँ पे पी लेटर भी मौजूद है. नेक्स्ट इज यू. क्या यहाँ यू लेटर मौजूद है. यस, यू भी है. नेक्स्ट इज टी. तो यहाँ पे टी भी मौजूद है. नेक्स्ट देखेंगे ई. तो इट्स यहाँ पे ई भी मौजूद है. और आगे लास्ट है आर. आर भी मौजूद है. इट्स मीन ये कंप्यूटर वर्ड है. ओके, कंप्यूटर ये एक ऐसी मशीन है कि जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, इन लेटर्स को अरेंज करेंगे. तो कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या है, सी ओ एम पी यू टी ई आर. यहाँ आप क्या वर्ड आता है, कंप्यूटर. अ मशीन डेट कैन स्टोर डेटा इज कंप्यूटर. कंप्यूटर इज डेट मशीन, ओके, इन विच वी कैन स्टोर डेटा. अब हम नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट में यहाँ लेटर्स हैं ई एम एच एन आई ए सी. ये लेटर्स हैं और ये जंबल फॉर्म में हैं. हमें एक नहीं समझ आ रही ये कौन क्या वर्ड है. तो अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या चीज़ है ये. अ डिवाइस डैट यूजेस एनर्जी टू डू वर्क. अभी हमने रीडिंग की है और वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी को किस चीज़ की, एनर्जी की किस चीज़ को ज़रूरत होती है. मशीन्स को ना, मशीन्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है. सम मशीन्स यूज एनर्जी, मशीन्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो इट्स मीन वो डिवाइस कौन सी है, मशीन. अब हमने चेक करना है कि क्या ये वाकई मशीन वर्ड है, क्या ये लेटर्स वही है जो मशीन वर्ड में है. तो यहाँ देखें, मशीन की स्पेलिंग है एम ए सी एच आई एन ई मशीन, और साथ एस है, ये है मशीन्स. तो हम देखेंगे सब, फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे एम. क्या यहाँ एम लेटर मौजूद है. यस, एम इज हियर एम. नेक्स्ट इज ए. ए यहाँ मौजूद है. यस, ए भी है. सी, क्या यहाँ सी मौजूद है. सी भी है. एच, क्या यहाँ एच मौजूद है. यस, एच इज हियर. आई, यस, आई भी है. नेक्स्ट इज एन. एन भी यहाँ मौजूद है. ई, यस, ई भी है. एंड मशीन, ओके, इट्स मीन ये कौन सा वर्ड है, मशीन. क्योंकि जो मशीन में तमाम लेटर्स आते हैं वो यहाँ मौजूद हैं. और मशीन ही एक ऐसी डिवाइस है कि जिसको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो मशीन के स्पेलिंग क्या हैं, एम ए सी एच आई एन ई. Which word is this? Machine. अब हम reading करेंगे. A machine that can store data is computer. A device that uses energy to do work is machine. ये क्या है? Computer जो है वो एक ऐसी machine है जिसमें हम data store कर सकते हैं. And machine जो है वो एक ऐसी device है कि जिसको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. इज़ डैट क्लियर, दिस वर्ड इज़
कंप्यूटर एंड दिस वर्ड इज मशीन। तो कंप्यूटर को हम दोबारा स्पेल करेंगे COMPUTER कंप्यूटर एंड दिस वर्ड इज मशीन MACHINE मशीन। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि जो ये मैंने आपको बुक वाइक करवाया है सेम आपने ऐसे ही बुक वाइक अपनी कॉपी पे अपनी बुक पे कॉपी करना है। आपने रीडिंग करनी है और जो वर्ड्स मैंने आपको न्यू टर्मिनोलॉजीज करवाई हैं उनको आपने अपने बुक पे अंडरलाइन भी करना है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। ये तो था क्लास वर्क, अब होमवर्क आपका क्या है। पेज नंबर 2 पे मैंने यहाँ आपको मैचिंग करके बताया है कि हम आपने ऐसे ही सेम नंबर्स को मैच करना है। काउंटिंग आई थिंक सो आप सबको आती है, आपने काउंटिंग के अकॉर्डिंग नंबर्स को मैच करना है। जैसे 1 के बाद आता है नेक्स्ट नंबर है 2, तो आप 1 को 2 के साथ मैच करेंगे। 2 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह नंबर्स को आप आपस में मैच करेंगे तो जो पिक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। ओके, ये पिक्चर है कंप्यूटर की। तो आपने क्या करना है, जब ये पिक्चर बन जाएगी तो आप इसमें करेंगे अच्छे से कलर्स। क्लियर, आपने इसमें कलर्स अच्छे से करने हैं और फिर मैं आपके जब स्कूल ओपन होगा तो फिर मैं आपकी बुक्स चेक करूंगी। ओके, आपका काम कंप्लीट होना चाहिए और साथ साथ आपने करना है और अच्छा करना है, प्यारा काम करना है। ओके, नाउ गुड बाय क्लास।